ओके गाइस, तो आ गया हूँ मैं एक हैप्पी बर्थडे एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आप लोग के सामने। वीडियो को पूरा शुरुआत से एकदम लास्ट तक देखिएगा। एंड सबसे पहले आपको अपना काइनमास्टर खोल लेना है। काइनमास्टर नहीं है आपके पास तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काइनमास्टर की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर 16:9 वाला रेशियो को खोलना है। फिर आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद जो है आपको जो एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना है। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना नेसेसरी है फ्रेंड, बिना ब्लैक बैकग्राउंड के नहीं होगा। फिर आपको ब्लैक बैकग्राउंड जो 15 सेकंड तक आपको इसको एडजस्ट कर लेना है, फैला लेना है। फिर स्टार्टिंग पॉइंट में आने के बाद लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। और एक मैं टेम्पलेट वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप लोग फ्रेंड्स उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपको स्प्लिट स्क्रीन करके जो है उसको फुल करना है। फिर क्रोमो की में जाना है, इसको इनेबल कर देना है। ग्रीन कलर सिलेक्ट होना चाहिए, एक बार आप देख लीजिएगा। फिर एकदम ध्यान जो क्रोमो की का जो है आपका ऊपर वाला 32 कर दीजिएगा, और नीचे वाला जो थोड़ा सा पीछे कीजिए, अपने आप से देख लीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट हैंडराइटिंग कैसे डाउनलोड करें काइनमास्टर में नहीं मालूम है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फिर आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और अपनी जो दो फोटो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जिसका हैप्पी बर्थडे है फ्रेंड्स उसको सिलेक्ट कर लेना है। मेरी सिस्टर है तो मैंने इसका वीडियो बोला हूँ पिक जो सिलेक्ट कर लिए। फिर दोनों पिक को सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट पे जाना है, सेंड बैक कर देना है इसको। सेंड बैक करने के बाद आपको इस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको स्टार्टिंग पॉइंट में आना है, लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद जो आपको देखिए मैं फैला लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ लास्ट तक। आपको पिक जो फैला लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। अब लेयर में जाना है, ओवरले में जाना है फ्रेंड्स। मैं गलती से मीडिया पे चला गया था। ओवरले में जाने के बाद नीचे आना है आपको। देखिए एक इस टाइप का जो है फीचर आएगा आपके में, फेयरली शेप्स बॉर्डर, तो ये वाला आपको नहीं है तो आपके पास गेट मोर वाला आइकन पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सर्कल टाइप में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसको जो आपके जो गोल फोटो है जो आप लोग को दिख रही होगी उस पर जाके आपको पीछे लगा देना थोड़ा इस प्रकार से। देखिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगेगा छोटा बड़ा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी एडिटिंग टिप्स आप लोग के लिए लाता रहता हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद जो इसको भी जो लास्ट तक फैलाने के बाद देखिए आपको एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेना है कि वीडियो जो है किस प्रकार से हम लोग का बन गया है। और हाँ भाई लोग, मुझे इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो भी करना, मैं रिप्लाई भी इंस्टाग्राम पे आपको ज़रूरी दूंगा। और फिर आपको जो है स्टार्ट लास्ट तक कर देना है। और देखिए हम लोग के वीडियो भी पूरे अच्छे थोड़ा कवर कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं वीडियो को। वीडियो बन के हम लोग जो तैयार हो चुके हैं देख सकते होंगे आप लोग। फिर आपको क्या करना है, शेयर वाले जो ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। फिलहाल तो मैं अभी ऑडियो डाल लेता हूँ। ऑडियो को टेंशन नहीं लीजिए, ऑडियो जो है इस वीडियो पे डला हुआ मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ ऑडियो, अगर आप अपना मनपसंद ऑडियो डालना चाहते तो कैसे डालें। सॉन्ग में जाना, फिर जो आपका फाइल मैनेजर में जितने भी ऑडियो होंगे सब क्लिप खुल जाएंगी। इस प्रकार से जो आप अपने वीडियो पे ऑडियो भी डाल सकते हैं। देखिए पहले कुछ अलग टाइप की ऑडियो थी, फिर जो वीडियो की ऑडियो, वीडियो पे क्लिक करेंगे जो ऑडियो है इसका बंद कर देंगे, 0% कर देंगे, जिससे जो है वीडियो का ऑडियो नहीं बजेगा। फिर आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, शेयर वाले ऑप्शन पर जाना है। और शेयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसको जो है एक्सपोर्ट कर लेना है एकदम आसानी से। देखिए शेयर पर गया, एक्सपोर्ट वाले बटन पर जाके एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना।